Hello students, welcome to Shorab Sir classes. I am going to discuss about a name reaction today, which is important and which keep a total little bit different step ka product. To hai cold base means reaction. So cold base means reaction kya hai? Normally agar hum log dekhenge, usme conversion kaise hota hai? Usme ye phenol, ये है हम लोग का फिनोल और ये क्या देता है सैलिसिलिक एसिड। तो कोलबेस में रिएक्शन का जो चेंज है वो है फिनोल टू सैलिसिलिक एसिड। तो अभी क्या है इसको पढ़ते कैसे है, ये रिएक्शन का रिएजेंट है फास्ट CO2, second NaOH। यह है इसका रिएक्शन का कंडीशन और इसका टेम्परेचर, इसका प्रेशर रहता है 4 to 7 एटमोस्फियर और टेम्परेचर 140 to 170 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, उसमें पूरा रिएक्शन आ गया लेकिन इसमें प्रेफरेंशियली सैलिसिलिक एसिड ही बनेगा। सैलिसिलिक एसिड मतलब ऑर्थो प्रोडक्ट। तो अभी ये OH माइनस क्या करेगा, इसका अगर हम लोग मेकानिज्म देखेंगे तो CO2 दिया जाएगा और उसके साथ NaOH भी दिया जाएगा। तो NaOH पहले क्या करेगा, NaOH O नेगेटिव बनाएगा। अभी O नेगेटिव क्या करेगा, O नेगेटिव अभी इसको एक्टिवेट करेगा। ये एक्टिवेट करने से ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, ये क्या करेगा, ये इधर से आके इसको अटैक कर देगा। ये बोलोगे कि ये वाला रिएक्शन में बाद में इसमें वाटर ऐड हो जाएगा, लेकिन इसमें चीज क्या है, अब पहले बात पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि क्या है, क्यों ही OH माइनस यूज किया जा रहा है। ऐसे तो OH फिनॉल तो ये अगर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो ऐसे भी तो फिनॉल इलेक्ट्रॉन मतलब इसको ग्रुप को एक्टिवेट करता है, तो इस ग्रुप को एक्टिवेट करता है ये रिएक्शन देता है। लेकिन एक चीज ये है कि फिनॉल का जो जितना एक्टिविटी है वो फिनॉलिक फिनॉक्साइड आयन का उससे ज्यादा एक्टिविटी है, तो फिनॉक्साइड आयन का उससे ज्यादा एक्टिविटी है इसीलिए ये फिनॉक्साइड आयन COO माइनस देगा। तो COO मतलब ये वाला रिएक्शन ज्यादा फिजिबल है ड्यू टू फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी के वजह से ये वाला रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है। उसके बाद क्या है, मैंने एक स्टेप जंप किया था, वो क्या होगा, पहली बार कि इधर से ये वाला जाएगा और बाद में जो स्ट्रक्चर देगा वो मतलब जैसे एरोमेटिक का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का टॉपिक है ऐसा ही होगा। मैं फिर से पूरा एक बार लिख देती हूँ कि इसमें और एक चीज आएगा जो मैकेनिज्म है, क्योंकि फर्स्ट लेप हम लोगों का ये बना क्या O माइनस। अभी O माइनस क्या करेगा, अभी इधर CO2 है, O माइनस क्या करेगा, O माइनस यहां से जाके इसको अटैक कर देगा तो ये खुल जाएगा। तो अभी कौन सा वाला स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, अभी बनेगा डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और इसी साइड पे O माइनस, और इधर जो सोडियम आयन है वो क्या करेगा इसके साथ एक बॉन्ड फॉर्म करके रह जाएगा, इसीलिए ये क्या है सीधे कॉम्प्लेक्स। तो सोडियम आयन का एक सीधे कॉम्प्लेक्स इधर फॉर्म होगा,
सोडियम आयन का ये वाला जो चिलेट कॉम्प्लेक्स है, ये वाला चिलेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के वजह से क्या होता है कि ये रिएक्शन फिजिबल हो जाता है। अभी क्या है, अभी एच एक एच इधर जाएगा तो ये खुल जाएगा, तो ये वाला स्ट्रक्चर आ गया। और अभी मीडियम से वाटर लेके दोनों ही प्रोटोनेटेड हो जाएगा। तो ये वाला प्रेफरेंस यदि ऑर्थो ही क्यों बढ़ रहा है, नॉर्मली तो ऑर्थो नहीं बनना चाहिए, लेकिन ऑर्थो ही बन रहा है इसलिए क्योंकि ये वाला जो सोडियम है, ये वाला सोडियम क्या करता है, ये वाला सोडियम ये चिलेट कॉम्प्लेक्स बना देता है। चिलेट कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी की वजह से ये इसमें क्या होता है, ये वाला कॉम्पाउंड सिलेक्टिवली ये वाला कॉम्पाउंड फॉर्म होता है। लेकिन ये अगर लेकिन ये चिलेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है कि नहीं, ये देखने के लिए हम लोगों ने चेक किया। तो क्या चेक किया कि यहाँ पे एनएओएच की वजह से सब कुछ सेम रखा, केओएच डाल दिया। तो क्या है, तो वो प्रोडक्ट जो मिला वो प्रोडक्ट मिला वो था ओ माइनस और इधर सीओ टू और केओएच। तो क्या बना, तो प्रेफरेंशियली यही वाला बना। तो अभी आप सोचोगे कि ये वाला सोडियम पे हो रहा है, पोटेशियम पे नहीं हो रहा है, क्यों नहीं, क्योंकि ये सोडियम पोटेशियम, तो पीरियोडिक टेबल में ये क्या है 2s और 3s, मतलब इसका साइज बड़ा है। तो इसका साइज बड़ा है तो हम लोगों का चिलेट कंपाउंड क्या किसके ऊपर डिपेंड करता है, चिलेट कंपाउंड कैसे डिपेंड करेगा, जो चिलेट का जो चिलेट का स्टेबिलिटी है वो चिलेट का स्टेबिलिटी डिपेंड करता है कि चिलेट में कितना जो ग्रेव जो साइज है कैविटी का उसका साइज के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इधर पोटेशियम आयन बहुत बड़ा है इसीलिए जो कैविटी और जो वो बढ़ाएगा उसमें ये फिट नहीं होगा। तो फिट नहीं होगा तो नॉर्मल मैकेनिज्म करके पूरा डिजोनेंस करके जैसा मैकेनिज्म होता है ऐसा मैकेनिज्म करके वो सी पैडा वाला प्रोडक्ट दे देगा। और के प्लस का और एक चीज है, के प्लस का जो एटॉमिक वॉल्यूम ये भी बड़ा है, साइज और एटॉमिक वॉल्यूम दोनों अगर किसी का बड़ा होगा तो वो फिट नहीं आ सकता, इसीलिए ये वाला रिएक्शन में पोटेशियम में ये वाला प्रोडक्ट देते हैं। तो ये वाला बहुत ही इजी और स्मॉल रिएक्शन है और इसका बहुत सारा एप्लीकेशन भी है, वो हम लोग आज में देखेंगे। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर चेंज विथ अस।